क्या आप जानते हैं कि चांद पर इंटरनेट की स्पीड कितनी है? क्या आपको ये पता है कि एक होटल पूरी तरह सोने का बना हुआ है? क्या आपने ये सोचा है कि एक ऐसी भी मछली हो सकती है जो लाइट को एब्जॉर्ब करती है? अगर नहीं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। उसके पहले आप जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल गैंग्स ऑफ एवरीथिंग को और बेल आइकन पर क्लिक करके सेलेक्ट ऑल करें, जिससे आप अपडेटेड रहेंगे हमारे हर नए वीडियो के साथ। माइक्रोबायोलॉजिस्ट ने एक ऐसा बैक्टीरिया ढूंढ निकाला है जो मेटल ईटिंग है। जी दोस्तों, ये बैक्टीरिया अपनी खुराक के लिए मेटल का इस्तेमाल करता है, यानी कि धातु का इस्तेमाल करता है। कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के प्रोफेसर जार्ड लीडबेटर ने पोस्ट डॉक्टरल स्कॉलर हैंक यू के साथ मिलकर पहला मैग्नीज ईटिंग बैक्टीरिया खोज निकाला। दोस्तों, हम आपको बता दें कि ये डिस्कवरी इंटेंशनली नहीं की गई है, बल्कि ये एक्सीडेंटली हुई। जी हाँ, एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट ने एक ग्लास जार जिसकी सतह पर मैग्नीज लगी हुई थी उसमें टैप वाटर डालकर सिंक में रख दिया था और कई महीने बीतने के बाद देखा तो उस पर काले रंग की परत दिखाई दी, जिससे पता चला कि उसकी सतह पर मौजूद मैग्नीज ऑक्सीडाइज हो चुकी है, वो भी एक नए बैक्टीरिया के द्वारा। इस तरह रिसर्च करने पर जार्ज और हैंक फील्ड्स को एक नया मेटल ईटिंग बैक्टीरिया मिला। ये डिस्कवरी हमें बहुत मदद कर सकती है अर्थ के एलिमेंटल साइकिल को समझने में, और इसके अलावा मैग्नीज एक ट्रांजिशन मेटल आयन है, तो पृथ्वी पर जीवन का विकास कैसे हुआ इस खोज में भी ये काफी मददगार साबित हो सकती है। दोस्तों, आज तक सभी का मानना था कि सांप के पैर नहीं होते, इसलिए वो जिगजैग मोशन में चलते हैं। लेकिन 2015 में सांप की ऐसी एक प्रजाति पाई गई जो जिगजैग ना चल के स्ट्रेट चलते हैं, और उनका नाम है गबून वाइपर्स। ये प्रजाति अफ्रीका के वर्षा वन में पाई जाती है और ये किंग कोबरा के बाद दूसरे सबसे जहरीले सांप माने गए हैं। इससे पता चलता है दोस्तों कि अभी भी बायोडाइवर्सिटी में बहुत सारी खोज करना बाकी है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं उस होटल के बारे में जो पूरी तरह सोने से बना के तैयार किया गया है। इसका नाम है डोलसे हनोई गोल्डन लेक होटल, जो वियतनाम में 3 महीने के लॉकडाउन के बाद टूरिज्म डिपार्टमेंट शुरू होने पर खोला गया। दोस्तों, इस होटल के बेडरूम से लेकर स्विमिंग पूल, लॉबी, किचन एरिया और यहाँ तक कि वॉशरूम में बाथटब, टॉयलेट सीट, टैप और शॉवर को भी गोल्डन प्लेट से बनाया गया है। और इतना ही नहीं, इस होटल में यूज हुए कंक्रीट तक को भी सोने के पाउडर से बनाकर तैयार किया गया था। इस होटल की लॉबी 24 कैरेट गोल्ड से बनाया गया है और सिर्फ लॉबी को बनाने में आया खर्चा लगभग 15 अरब रुपए है। दोस्तों, अगर आप इस होटल में जाना चाहते हैं तो हम आपको इसकी प्राइस भी बता देते हैं। इंडियन करेंसी के हिसाब से इस होटल में एक रात रुकने की कीमत है 18,600 रुपए। तो अगर आप भी गोल्ड के दीवाने हैं तो ये होटल आपके लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन हो सकता है। दोस्तों, अब हम आपको एक ऐसे पक्षी के बारे में बताते हैं जो कि दुनिया का सबसे बड़ा उड़ने वाला पक्षी है। ये पक्षी साउथ अमेरिका में पाया जाता है, जिसे एडियन कोडो नाम से जाना जाता है। इसकी पंख का फैलाव लगभग 10 फीट है और उसका 15 किलो से ज़्यादा का होना उसे इस दुनिया का सबसे भारी उड़ने वाला पक्षी बनाता है। उसके बारे में हम आपको फैक्ट बता देते हैं जो कि आपको हैरान कर देगा। ये पक्षी इतना भारी होने के बावजूद अपनी उड़ान का सिर्फ 1% हिस्सा अपने पंख को फड़फड़ाता है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि अगर ये पक्षी एक बार अपने पंख फड़फड़ाए तो उसके बाद लगातार 5 घंटे तक और लगभग 160 किलोमीटर तक की दूरी तय करता है बिना दोबारा अपने पंख को फड़फड़ाए। दोस्तों, अगर हम खारे पानी की बात करें तो आपके दिमाग में समुद्र का ख्याल आएगा, और ये होना भी चाहिए क्योंकि हमें पता है समुद्र का पानी खारा होता है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि तालाब का पानी भी खारा होता है तो आप नहीं मानेंगे, पर ये सच है। एंटार्क्टिका में डॉन जुआन पॉन्ड है जो कि 44% खारा है, तो आप ये कह सकते हैं कि ये समुद्र से भी ज्यादा खारा है। और ये दुनिया का सबसे गहरा हाइपरसलाइन लेक है,
इसे डेड सी नाम से भी जाना जाता है। इसे डेड सी इसलिए कहा गया है क्योंकि इसके अंदर किसी भी प्रकार के जलीय जीव, मछलियाँ, पौधे या फिर किसी भी प्रकार के जीव नहीं पाए जाते। दोस्तों, क्या आपको पता है कि चांद पर इंटरनेट की स्पीड कितनी है? दरअसल हमें से कुछ लोगों को नहीं पता होगा, पर नासा के साइंटिस्ट द्वारा चांद के सतह पर इंटरनेट को स्टेबलाइज किया गया है, जिसका इस्तेमाल रोवर से कनेक्टिविटी के लिए भी करते हैं। 9 जुलाई 2014 को नासा और MIT के द्वारा पूरी दुनिया के सामने इस हाईटेक इंटरनेट को पेश किया गया। ये एक लेजर बेस्ड लॉन्ग डिस्टेंस इंटरनेट है जिसकी फ्रिक्वेंसी और डेटा ट्रांसफर रेट बहुत ही ज़्यादा है। चांद पर इसकी मदद से 622 मेगाबिट पर सेकंड की डाउनलोड स्पीड और 19.44 मेगाबिट पर सेकंड की अपलोड स्पीड दी जाती है, जो कि एक हाई रिजोल्यूशन मूवी और गेम्स को स्ट्रीम करने के लिए बहुत ही ज़्यादा है। अब हम बात करते हैं मुंबई के एक आइकॉनिक प्लेस मरीन ड्राइव के बारे में और वहाँ पर मौजूद टेट्रापॉड पत्थरों के बारे में। आप में से कई लोग मुंबई ट्रैवल करने गए होंगे तो मरीन ड्राइव तो ज़रूर गए होंगे। तो आपके मन में भी ये सवाल आया होगा कि आखिर यहाँ पर इतने सारे टेट्रापॉड पत्थर क्यों रखे गए हैं? दोस्तों, वो सिर्फ डेकोरेशन या आकर्षण के लिए नहीं है, बल्कि उसके पीछे एक साइंस छुपा हुआ है। ये समुद्र की रेखा को प्रोटेक्ट करते हैं और जब भी विशाल लहरें आती हैं, जो कि एक बड़ी तबाही का कारण भी बन सकती है, उन्हें भी ये कंट्रोल करते हैं। जब विशाल लहरें इस पॉट से टकराती हैं, तब जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसे ये पॉट्स एब्सॉर्ब कर लेते हैं, जिससे समुद्र से लगे हुए रॉड या बिल्डिंग को कोई भी नुकसान नहीं होता। लेकिन इससे पर्यावरण को नुकसान होता है, क्योंकि ये समुद्र की प्राकृतिक लहरों पर रोक लगाती हैं और कई सारे समुद्री जीवों को चोट लगने और उनके मरने का कारण भी बनती हैं। इसी वजह से दोस्तों, कई सारी कंट्री में इसे बैन कर दिया गया है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि शिप बिल्डर डैमन ने इस मंथ रशियन बैंकर ओलेग टिको के लिए एक प्राइवेट यॉच लॉन्च की है, जिसकी प्राइस अगर आप रेंट पर ले तो 6 करोड़ पर वीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा तो क्या है इस यॉच में जो ये इतना महंगा है, तो हम आपको बता देते हैं। ये यॉच 252 फुट की साइज का है, जिसमें 2 हेलीकॉप्टर, स्नो मोबाइल और एक सबमरीन भी है। ये यॉच बर्फ आच्छादित क्षेत्रों जैसे कि आर्कटिक या एंटार्क्टिका में बर्फ काटकर रास्ते बनाने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है। ये लगभग 16 इंच की मोटाई वाले बर्फ पर भी आसानी से चल सकती है और इसके इस्तेमाल से हम आर्कटिक और एंटार्क्टिका जैसे जगहों पर भी आनंद से घूम सकते हैं। साइंटिस्ट ने मछली की एक ऐसी प्रजाति खोज निकाली है जो 99.5% तक प्रकाश का शोषण करती है। इसका नाम अल्ट्रा ब्लैक फिश है और इस डिस्कवरी को किया है स्मिथसोनियन और ड्यूक यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने। ये मछलियां समुद्र में 5000 मीटर की गहराई में रहती हैं और इनकी त्वचा में मेलेलिन नामक रंजक द्रव्य पाया जाता है और ये पिगमेंट पूरी कोशिकाओं में इस तरह फैला होता है कि उस तक जितना भी प्रकाश पहुंचता है उसकी त्वचा से टकराकर वापस नहीं जा पाता। इन मछलियों की त्वचा ज्ञात सबसे काले पदार्थ में से एक है, जो कि प्रकाश को इतनी कुशलता से अवशोषित करती है कि चमकदार रोशनी में भी वे एक परछाई के जैसी दिखाई देती हैं। जब ऑशबोर्न ने इन्हें खोजा था, तब उन्हें सतह पर लाने के बाद उनकी तस्वीर लेने की कोशिश की गई थी। दोस्तों, इस वक्त कोरोना वायरस की वजह से पूरी मानव जाति परेशान है, लेकिन इसके शिकार सिर्फ मनुष्य ही नहीं, जानवर भी हो रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, स्पेन में 90,000 से भी ज्यादा मिंक मारे गए, क्योंकि उनमें से 87% मिंक COVID-19 पॉजिटिव पाए गए। ये केस एक फर फार्म में मिला, जहाँ पर मिंक को पाला जाता था उनकी फर की मार्केटिंग के लिए, और इसकी पहचान तब हुई जब फार्म की एक एम्प्लॉय की वाइफ पॉजिटिव पाई गई और उसके अलावा 6 और फार्म वर्कर भी पॉजिटिव पाए गए।
तो दोस्तों आप ऐसा कह सकते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से सिर्फ मानव जाति ही नहीं जानवर भी काफी परेशान है। तो दोस्तों आपको हमारी आज की ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए और लाइक और शेयर करना मत भूलना। हम फिर से मिलेंगे आपसे ऐसे ही कहीं इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ।